फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं। फ्रेंड्स, आज हम आए हैं मथुरा के वृंदावन में, और वृंदावन में हम आए हैं आज रंगनाथ मंदिर, और इसे रंग जी के नाम से भी ये मंदिर बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। और फ्रेंड्स, इसमें बहुत ही अच्छी से देखने दिखाने लायक चीज़ें हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, ये देखिए, ये सोने और चांदी से बने हुए हैं, और ये इस तरह की मूर्तियाँ जो आप देख रहे हैं ये सोने और चांदी से बनी हुई हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पर बहुत सारी ऐसी मूर्तियाँ हैं जो सोने और चांदी से बनी हुई हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये आप जो देख रहे हैं ये सोने से बना हुआ है। यहाँ पर पशु पक्षी जो बने हुए हैं वो सोने और चांदी से बने हुए हैं। ये देखिए, ये चांदी के पक्षी बने हुए हैं। ये देखिए, हाथी हैं, घोड़े हैं, बहुत तरह के पक्षी हैं, बहुत तरह के पशु हैं जो बनाए हुए हैं। और देखिए कितने सुंदर सुंदर सी ये चीज़ें हैं जो रखी हुई हैं यहाँ पर। ये देखिए, पूर्ण कोठी है ये। ये देखिए, हनुमान जी की भी मूर्तियां हैं यहाँ पर। देखिए कितने अच्छे से कारीगरी की गई है यहाँ पर इन मूर्तियों पर। बहुत ही सुंदर और बहुत ही भव्य लग रहा है यहाँ का दृश्य। फ्रेंड्स, बहुत ही सुंदर है। तो आप जब भी आए तो आप एक बार इस मंदिर में ज़रूर आए। फ्रेंड्स, ये वृंदावन में है। देखिए फ्रेंड्स, कितने तरह की मूर्तियाँ बनी हुई हैं। फ्रेंड्स, ये बहुत ही प्राचीन काल से ये यहाँ पर विराजमान है, और बहुत ही पुरानी मूर्तियाँ हैं फ्रेंड्स ये। ये देखिए फ्रेंड्स, कितने अच्छे से इन मूर्तियों को गढ़ा हुआ है, गढ़ाया गया है, कितने अच्छे से ये बनाई गई है, और बहुत अच्छे से इनको रखा गया है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये शेषनाग है, ये भी चांदी से बने हुए हैं। देखिए, ये शिव शार्दुल हैं, बहुत ही भव्य लग रहा है फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, कितनी तादाद में लोग यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ पर हर तरह के लोग आते हैं, विदेशी हैं, देशी हैं, हर तरह के देश विदेश से यहाँ पर लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। बहुत ही ज़्यादा भव्य है फ्रेंड्स ये मंदिर। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये जो आप स्तंभ देख रहे हैं ये सोने से बना हुआ स्तंभ है। और फ्रेंड्स, इस मंदिर को सोने के स्तंभ के नाम से भी प्रसिद्ध है ये मंदिर। चलिए फ्रेंड्स, मैं आगे का दिखाती हूँ आपको। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम आ गए हैं शीश महल। और ये शीश महल फ्रेंड्स देखिए, शीशे से बनकर तैयार किया गया है। और देखिए कितना सुंदर और कितना भव्य लग रहा है ये मंदिर, ये शीश महल। यहाँ पर सभी लोग आते हैं, यहाँ पर दर्शन करते हैं, यहाँ पर इन चीज़ों का देखते हैं। बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें हैं फ्रेंड्स यहाँ पर। ये देखिए शीश महल कितना सुंदर है। यहाँ पर सभी लोग आए हुए हैं, एंजॉय कर रहे हैं, फोटो क्लिक कर रहे हैं, सभी लोग काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं। ये देखिए सबसे अच्छी फ्रेंड्स, देखिए मुझे ये लगी। ये देखिए भगवान श्री कृष्ण के रूपों का वर्णन यहाँ पर देखिए झांकियों में किया गया है। और ये झांकी बिल्कुल ऐसी हिलती हुई सी हैं, और बिल्कुल ऐसी लगती हैं जैसे अभी बोलने वाली हैं ये झांकियाँ। तो देखिए फ्रेंड्स, कितना सुंदर लग रहा है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये वारा अवतार है, जब भगवान श्री कृष्ण ने वारा अवतार लिया था। ये नरसिंह अवतार है, ये वामन अवतार है, ये देखिए ये परशुराम अवतार है, ये बलराम अवतार है, ये कालकी अवतार है। और देखिए फ्रेंड्स, किस तरह से भगवान को गोकुल धाम छोड़ा गया था, उनके पिता किस तरह से लेकर गए थे, ये सभी चीजों का वर्णन यहाँ पर देखिए इस दृश्य में किया गया है। फ्रेंड्स, बहुत ही सुंदर है ये। आगे का आपको मैं व्यू दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए द्रौपदी चीर हरण का दृश्य दिखाया गया है। ये देखिए, यहाँ पर भगवान की पालकी का दिखाया गया है व्यू। ये देखिए, यहाँ पर श्री कृष्ण ने किस तरह से गोवर्धन पर्वत को उठाया था, और पूरे गांव वासियों की मदद की थी, किस तरह से उनकी सहायता की थी, किस तरह से उनकी जान बचाई थी, ये दृश्य दिखाया गया है। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर श्री कृष्ण को झूले में झुलाया जा रहा है। यहाँ पर श्री राम ने किस तरह से रावण का वध किया था, उसका दृश्य दिखाया गया है। ये देखिए,
बिल्कुल ये ऐसी लग रही है जैसे अभी कुछ बोलने वाली है, कुछ कहने वाली है। ये देखिए श्री राम और लक्ष्मण जी। देखिए फ्रेंड्स, जब श्री राम राजगद्दी पर बैठे थे तो ये उस वक्त का दृश्य है दिखाया गया है इसमें। ये देखिए फ्रेंड्स, ये भगवान पालकी है जो जा रही है। ये देखिए किस तरह से सुंदर बनाई गई है। और देखिए फ्रेंड्स, ये वो अवतार है जब भगवान श्री कृष्ण ने लिया था और किस तरह से उन्होंने अवतारों में युद्ध किया है, वो इस चीज़ का वर्णन यहाँ पर किया गया है। ये देखिए मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, इनका भी यहाँ पर देखिए दिखाया गया है मीरा की किस तरह से उन्होंने गोपियों के साथ रासलीला रचाई थी, उसका भी वर्णन है। चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी।